जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस के बारे में कि देखो, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसियां निकली थी और उसका आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, और यहाँ पर इस वैकेंसी को लेकर आपके दिमाग में दो तीन क्वेश्चन बने हुए होंगे, उनके ऊपर हम बिल्कुल फुल डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, एक यहाँ पर GDS में एक BPM की वैकेंसी है, एक डाक सेवक की है, एक ABPM की, एक ABPM की है, एक मेल कलेक्टर की है, इसके अलावा एक मेल डिलीवरी की है, इसके अलावा पैकर की है। तो यहाँ पर इस तरीके से टोटल 5 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ कि ये क्या क्या काम करते हैं, BPM क्या काम करता है, ABPM क्या काम करता है, ठीक है, डाक सेवक क्या काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनको सैलरी कितनी मिलती है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको यहाँ पर कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है यदि हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो। यहाँ पर इस तरीके से टोटल 5 पोस्ट होती हैं, एक BPM की होती है, एक ABPM की होती है, तीसरा पीकर की होती है, चौथा मेल कलेक्टर की होती है, पांचवा मेल डिलीवर की होती है, अब देखो ये 5 पोस्ट हैं। अब यदि इनको मैं रैंक वाइज बनाऊँ, रैंक वाइज कैसे, कि सबसे हाई लेवल की पोस्ट कौन सी है, उससे नीचे के लेवल की कौन सी है, उससे नीचे के लेवल की, तो इन 5 पोस्टों में जो BPM की पोस्ट होती है ना, वो सबसे ऊपर की पोस्ट होती है, ये बिल्कुल टॉप लेवल की पोस्ट होती है। इससे नीचे की पोस्ट होती है ABPM की, असिस्टेंट ब्रांच मास्टर की, ठीक है। और उसके बाद ये जो तीनों पोस्ट हैं, ये तीनों की तीनों पोस्ट लगभग एक बराबर लेवल की होती हैं। जो BPM होता है इसके अंडर में ये चारों लोग काम करते हैं, ABPM के अंडर में ये तीनों लोग काम करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो BPM है वो काम क्या करता है। देखो, BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ये उस ब्रांच का पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, जो वो आपकी ब्रांच है, जो शाखा है उसको संभालता है, ठीक है, जो ब्रांच शाखा है, जो डाकघर है, जो पोस्ट ऑफिस है, उसको क्या करता है, संभालता है ये, और ये पूरे पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। ये उस ब्रांच को कार्य प्रवाह करता है, उस पूरे ब्रांच का मैनेजमेंट संभालता है, उस ब्रांच से रिलेटेड जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों को संभालता है। साथ ही साथ इसके अंडर में जो 4 पोस्ट हैं उनमें काम करने वाले लोगों को भी संभालता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी, सबसे ऊपर की पोस्ट है जो इसके नीचे काम करने वाले सभी लोगों को संभालती है, साथ ही साथ पूरी ब्रांच को संभालने का जिम्मा भी इसी के हाथ होता है। उसके बाद क्या होता है, एक पोस्ट होती है ABPM की, जिसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं, और ये है जो BPM के अंडर में काम करता है, ठीक है। BPM को कोई भी काम गलत लगता है, कोई भी काम सही लगता है, या BPM को कोई भी काम करवाना होता है तो वो डायरेक्टली सबसे पहले बोलता है ABPM को, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को बोलता है। तो जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या होता है, एक सहायक होता है, उसकी हेल्प करने के लिए होता है, और वो जैसे गाइड करता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर जैसे गाइड करता है, बिल्कुल ठीक उसी के निर्देशों के अनुसार ABPM काम करता है, ठीक है। बाकी के जो, यदि आप मेल कलेक्टर बनते हो तो इसका काम क्या क्या होता है, मेल संग्राहक होता है, मेलों को इकट्ठा करना होता है, साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। पीकर का काम क्या होता है, ये मेलों की पैकिंग करता है। हम कोई भी कोरियर लेके जाते हैं पोस्ट ऑफिस, हमने कोरियर कर दिया, फिर वो जैसे सपोज डेट हमने जयपुर से आगरा के लिए कोरियर किया, तो जयपुर से आगरा के लिए जितने भी कोरियर आए उन सभी को इकट्ठा करना, ठीक है, फिर उनको पैकिंग करना, फिर उनको जो ट्रांसपोर्ट का साधन है जैसे ट्रक है तो ट्रक में रखना, फिर कोरियर ट्रक के माध्यम से जो डिलीवरी जो ट्रक के माध्यम से कोरियर कहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे आगरा, आगरा के बाद में वापस उस पैकिंग को खोलना और फिर उसको मैनेज करना कि कौन से कोरियर को हमें कहाँ भेजना है। और इसके अलावा जो डिलीवरी कैंडिडेट है वो जो कोरियर होता है, जो मेल होता है या जो कोरियर होता है उसको उसके निश्चित स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। जैसे हमारे घर पर आता है कौन, पोस्टमैन, वो क्या देके जाता है, हमें डाक देके जाता है, हमारा जो भी सामान होता है उसको कौन देके जाता है, डिलीवरी कैंडिडेट देके जाता है, ठीक है। तो ये इनके 5 के काम थे।
अब देखो यहाँ पर मैं सैलरी के बारे में बात करूँ तो देखो, चाहे आप BPM की बात कर लो, चाहे आप ABPM की बात कर लो, चाहे आप डाक सेवक की बात कर लो, यहाँ पर टोटल दो लेवल होते हैं। तीनों की तीनों पोस्टों में दो लेवल हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड। ये जो लेवल है वो वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। किसके आधार पर? वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंग। लेवल फर्स्ट में यदि आप काम कर रहे हो तो आपको कम से कम 4 घंटे काम करना पड़ेगा। लेवल सेकंड में आप काम कर रहे हो तो आपको कम से कम 5 घंटे काम करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं BPM की सैलरी क्या होती है। लेवल फर्स्ट जब वो कम से कम 4 घंटे काम करता है तो उसको कम से कम 12,000 रुपये सैलरी मिलती है, कम से कम 12,000 सैलरी मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 29,380 रुपये सैलरी मिलती है जब ये मैक्सिमम काम करता है। लेवल फर्स्ट में रहकर यदि ये मिनिमम 4 घंटे काम करता है तो इसको 12,000 रुपये सैलरी मिलती है। लेवल फर्स्ट में रहकर यदि ये मैक्सिमम काम करता है तो इसको 29,380 रुपये की सैलरी मिलती है। उसके बाद हम लेवल सेकंड की बात करें जिसमें मिनिमम वर्किंग टाइम है 5 घंटे का। तो यदि लेवल सेकंड में वो मिनिमम 5 घंटे काम करता है तो उसकी मिनिमम सैलरी होती है 14,500 रुपये और मैक्सिमम सैलरी होती है 35,480 रुपये। यदि वो मिनिमम 5 घंटे काम कर रहा है तो उसको 14,500 रुपये मिलेंगे, और यदि वो 5 घंटे से अधिक काम कर रहा है, बिल्कुल मैक्सिमम जो पोस्ट ऑफिस का टाइम है, बिल्कुल मैक्सिमम टाइम काम कर रहा है, तो उसको 35,480 रुपये सैलरी मिलेगी। अब हम बात करते हैं ABPM की और डाक सेवक की। देखो ABPM और डाक सेवक दोनों की सैलरी बिल्कुल बराबर होती है, दोनों की सैलरी में कोई अंतर नहीं होता, दोनों में वही लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड होता है। लेवल फर्स्ट में 4 घंटे का काम करना होता है मिनिमम, लेवल सेकंड में मिनिमम 5 घंटे का काम करना होता है। लेवल फर्स्ट में मिनिमम सैलरी मिलती है 10,000 रुपये जब वो मिनिमम 4 घंटे काम करता है, मैक्सिमम सैलरी मिलती है 24,470 रुपये जब वो मैक्सिमम काम करता है लेवल फर्स्ट में रहकर, मतलब 4 घंटे से ज़्यादा काम करता है। लेवल सेकंड में मिनिमम 5 घंटे काम करना होता है, तो जब वो मिनिमम 5 घंटे काम करता है लेवल सेकंड में तो उसको मिनिमम 12,000 रुपये सैलरी मिलती है, और जब वो 5 घंटे से ज़्यादा काम करता है लेवल सेकंड में तो उसको 29,480 रुपये सैलरी मिलती है, ठीक है। तो लेवल सेकंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और डाक सेवक की लेवल फर्स्ट में मिनिमम सैलरी 10,000, मैक्सिमम सैलरी 24,470 रुपये, लेवल सेकंड में मिनिमम 12,000 सैलरी, मैक्सिमम 29,480 रुपये सैलरी होती है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यदि हम अलाउंस के बारे में बात करें तो देखो इनको एक CMA अलाउंस मिलता है 180 रुपये पर मंथ के हिसाब से। CMA अलाउंस मिलता है 180 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो एक तो इनको ये अलाउंस मिलता है। इसके अलावा इनको स्टेशनरी चार्ज मिलता है जो ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को 25 रुपये पर मंथ मिलता है, और बाकी के जो लोग हैं उनको 10 रुपये पर मंथ मिलता है। इसके अलावा इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अमाउंट भी मिलता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इनको अमाउंट मिलता है, और वो मिलता है इनको 6,000 रुपये जो कि वार्षिक होता है, मतलब साल में इनको 6,000 रुपये इनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इनको नगद परिवहन भत्ता मिलता है जो कि 50 रुपये पर मंथ मिलता है। इनको साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। अब साइकिल किस किस के पास होती है, जैसे डिलीवरी कैंडिडेट के पास होती है और कलेक्टर के पास होती है, तो कलेक्टर के पास, कलेक्टर के पास, मेल कलेक्टर के पास और मेल डिलीवरी कैंडिडेट के पास जो साइकिल होती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा इनको साइकिल का मेंटेनेंस करने के लिए भी अलाउंस मिलता है 60 रुपये पर मंथ। इनको बोट अलाउंस मिलता है 50 रुपये पर मंथ, ठीक है। साथ ही साथ ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए BPM को या फिर GDS सब पोस्ट मास्टर को 100 रुपये पर मंथ अलाउंस मिलता है, किसके लिए? ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए। और ये जो ऑफिस के मेंटेनेंस का जो अलाउंस है, या तो वो BPM को मिलता है या फिर वो GDS सब पोस्ट मास्टर को मिलता है 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा यदि हम बात करें, यदि आप BPM हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, और यदि आपका ऑफिस कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफिस है आपका, आपका यदि स्टैंडर्ड ऑफिस है तो आपको 500 रुपये पर मंथ मिलेंगे उस ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए। और यदि आपका OPS और जो ऑफिस है वो नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी का है तो आपको 200 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपके उस ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए।
अब आपका ऑफिस स्टैंडर्ड कैटेगरी का या नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी का है ये गवर्नमेंट या ऑफिस के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से काम का, सैलरी का, अलाउंस का ये वीडियो था। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों। हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।